वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी सो लेट स्टार्ट नाउ सो आज से नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जो कि है सबका दुश्मन उसका नाम है मैथ्स पर ये उतना भी हार्ड नहीं होता है मैं आपको इजी वे में सिखाने की कोशिश करूंगा तो ये सब्जेक्ट बी e. के सेकेंड ईयर में होता है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएंगे बी e. के उनके लिए भी होता है और जो स्टूडेंट्स पॉली से डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाएंगे उनके लिए भी होता है पर ये वीडियोस पॉली के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका मैथ्स फर्स्ट ईयर में था अब डायरेक्ट से दो साल की गैप होने के बाद डायरेक्ट मैथ्स पढ़ना पड़ेगा उनको बी e. में सो so, ये वीडियोज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको समझाऊ मैथ्स अब अगर मैथ्स का नाम लिया और डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले ना आए ये तो हो ही नहीं सकता तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं ये डेरिवेटिव्स के ट्वेंटी थ्री फार्मूलेज है तो इसे आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए तो ये फार्मूलेज याद करके रख लेना या फिर अगर याद नहीं रहा तो भी हम वीडियोज़ में कवर करते हैं तो उधर से भी आपको याद हो सकता है अब इसे हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती ये कैसे फॉर्म हुए हैं बट ये फॉर्मूलेज है इसे बना भी सकते हैं आप बट अभी बनाने का टाइम नहीं है अभी अब बस अपने को उसको यूज़ करना है और सम सॉल्व करना है तो अभी देखते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स इसे हमने फर्स्ट ईयर में भी सीखा था और अभी रिवाइज कर लेते हैं आप इसे नोट डाउन कर लीजिए तो सम रूल आपको दिख रहा होगा जब वी और यू ऐसे दोनों अलग अलग प्लस में रहते हैं और उसका डेरिवेटिव करना हो तो दोनों को सेपरेट करके डेरिवेटिव बनाना पड़ता है और बीच में प्लस का साइन देना पड़ता है ये सब हो गया इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा सेकेंड है डिफरेंस रूल तो सेम जैसे प्लस में किया वैसे माइनस में बस इधर माइनस का साइन लगेगा उसको डिफरेंस रूल बोल देते हैं थर्ड में है प्रोडक्ट रूल तो अभी तक हम प्लस और माइनस डाल रहे थे बट अबर अगर आप सेके, दो टर्म के बीच में मल्टीप्लाई आया तो उसको डिफर डेरिवेटिव उसको सेपरेट करना होगा हमें तो सेपरेट करने के लिए फर्स्ट टर्म को छोड़ दो और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लो उसके बाद में एक प्लस साइन डालना सेकेंड टर्म को छोड़ देना और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करना और इससे सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तो फोर्थ रूल है क्वेश्चन रूल जिसमें आप देख सकते हैं यू आर एन डिवीजन में तो पहले तो एन को बाहर ले लेना और डेरिवेटिव यू का करना है उसके बाद में माइनस यू को कांस्टेंट रखना है और डेरिवेटिव एन का रख करना है और डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर लिख देना है और इसका सोल्यूशन आ जाएगा अब ये फिफ्थ नंबर का कोई रूल नहीं है पर यह कॉन्सेप्ट है कि जब भी कांस्टेंट लगता है किसी भी टर्म के सामने तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और उस टर्म का अपने को डेरिवेटिव करना है तो इन छोटी वीडियोस में ऐसा समझाना पॉसिबल नहीं है बट जब मैं वीडियोस बनाऊंगा बाकी के सामने के तो उनमें ये सब एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आपके कंसेप्ट एक ही क्लियर होते जाएंगे ये रूल्स बहुत काम में आते हैं तो इनको लर्न कर लीजिए और नोट कर लीजिए अब सिक्स नंबर में आपको दिख रहा होगा चैन रूल तो ये चैन रूल कहाँ से आया देखो अब जब हमने डेरीविटिव सीखा था उसमें साइन का डेरीविटिव कौस आता है ठीक है बट अगर साइन एक्स की जगह पे कोई और टर्म आए तो उसको कैसे सॉल्व करना जैसे यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे साइन लॉग एक्स आया है तो लॉग एक्स को हम एक सेकेंड के लिए एक्स कंसिडर करते हैं और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कॉस एक्स आएगा तो एक्स की जगह पे लॉग एक्स डालते तो आंसर क्या हुआ हमारा कॉस लॉग एक्स आएगा बस हमें लास्ट में लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के बाद आपका सॉल्यूशन आ जाएगा तो ये बेसिक है इसलिए मैं फास्ट फास्ट बता रहा बट अगर आपको समझ नहीं रहा होगा तो आप स्लो करके देख सकते हैं वीडियो या फिर कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिए आपको सबको समझ जाएगा क्योंकि मैं सब कुछ उसमें कवर कर लूँगा धीरे धीरे तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर शुरू कर दें फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा एल तो हम वीडियो में पूरा बता देंगे क्या है उसके बारे में चलो बाय बाय